हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोगों का एक साथ में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ जानकारी दूंगा कि राजकुमार, फिल्म स्टार राजकुमार साहब अपने बेबाक के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे और वो किसी भी हीरो की या जो स्टार रहता था उसकी बेइज्जती कर दिया करते थे। ये बात है 1988 की फिल्म मरते दम तक के सेट पे। उस समय गोविंदा स्टार बन चुके थे और गोविंदा उस दिन सेट पे बहुत अच्छा कोई शर्ट पहन के आए थे, बाहरी शर्ट था कोई, और जितने भी यूनिट के लोग थे सब लोग तारीफ कर रहे थे उस शर्ट की। कोई भी आता और उस शर्ट की जो गोविंदा पहने हुए थे उसकी तारीफ करते लोग, और ये बाजू में बैठे राजकुमार साहब अपना सिगार पीते हुए देख रहे थे और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनकी बेइज्जती किया जाए। फिर क्या था, गोविंदा जैसे ही आए राजकुमार साहब के पास और राजकुमार साहब ने भी उनकी तारीफ की कि जानी ये शर्ट बहुत अच्छा है आपका, मुझे पसंद आया। फिर क्या था, गोविंदा ने उस शर्ट को गिफ्ट कर दिया राजकुमार साहब को। लेकिन अब जो हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाली घटना, क्योंकि दूसरे दिन जब गोविंदा आए सूट पे तो देखा वही शर्ट का रुमाल बना के राजकुमार साहब अपना मुंह पोछ रहे थे या अपना पैर वगैरह जूता साफ कर रहे थे, और ये देखकर गोविंदा को बहुत दुख हुआ और उन्हें लगा कि मेरी बेइज्जती राजकुमार साहब कर रहे हैं। तो दोस्तों, जितने भी वहाँ यूनिट थी, यूनिट शूटिंग के लोग थे, वो सब लोग देखे नज़ारा, और गोविंदा की बेइज्जती राजकुमार साहब वहाँ पर कर दिए, क्योंकि वही शर्ट था जो उन्होंने एक दिन पहले राजकुमार साहब को गिफ्ट किया था। तो ऐसे थे राजकुमार साहब, वो किसी की भी बेइज्जती कर दिया करते थे, यहाँ तक कि दिलीप कुमार या फिर अमिताभ बच्चन को भी नहीं छोड़े थे। राजकुमार ऐसे थे।